Hey guys, welcome to my channel. So today's video is about purple.com haul. तो मुझे मेरे सब्सक्राइबर बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं स्टे कुर्की और NYBA के प्रोडक्ट्स पे अपना रिव्यू दूं. तो मैंने हर फील्ड में, मतलब हर स्टे कुर्की और NYBA का हर एक एक प्रोडक्ट मंगाया था. और मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. उन्होंने मुझे नहीं भेजा, ये मैंने अपने पैसों से मंगाया है. तो कुछ प्रोडक्ट्स मैंने अपने पैसों से ही सारे प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, तो कुछ प्रोडक्ट जो मुझे खुद रिव्यू करने थे उनके वो प्रोडक्ट भी मैंने मंगाए हैं. तो NYBA, स्टे कुर्की, ये दो ब्रांड्स के मैंने मंगाए हैं प्रोडक्ट्स. सो सॉरी गाइस, मेरे को बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ हुआ है, तो प्लीज़ डोंट जज माई वॉइस. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्टली मैंने ऑर्डर किए थे दो स्टे कुर्की बेडेस काजल, बिकॉज मेरे को आई लव यू टू वाले काजल से ज़्यादा मुझे बेडेस काजल ज़्यादा अच्छा लगा था. सो दैट्स वाई मैंने ये स्टे कुर्की बेडेस ब्लैक काजल मैंने ये ऑर्डर किया था. ये मैं आप लोगों को गिव अवे में करने वाली हूँ दोनों काजल, दैट्स वाई मैंने ये ऑर्डर किए थे. मेरे पास ऑलरेडी दो काजल्स हैं स्टे कुर्की के, दोनों काजल मैं गिव अवे में करने वाली हूँ. तो जिस जिसको इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है उसे नीचे हैशटैग गिव अवे कमेंट में करना है, और मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है. सो दिस इज़ टू स्टे कुर्की बेडेस काजल फॉर माई गिव अवे फॉर यू माई सब्सक्राइबर्स के, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए. फर्स्ट मैंने ये मंगाए थे. सेकंड मैंने मंगाया था स्टे कुर्की बेडेस आईलाइनर, जो कि है इन द शेड ब्लैक, बेडेस ब्लैक 1. गाइस देखिए, तो दिस इज़ लुक ब्लैक कलर का है, लुक टू ग्लैम टू गिव अ डैम. ये इस तरफ के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में था, ये देखिए कार्डबोर्ड में था. एंड इसका जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो ये है, स्टे कुर्की का ब्लैक कलर का आईलाइनर. इसके ऊपर मैं आपको अलग से रिव्यू, डेमो वगैरह सब करके दिखाऊंगी. अभी मैं आपके साथ बस अपना हॉल शेयर कर रही हूँ. सो दिस इज स्टे कुर्की का ब्लैक बेडेस काज लाइनर. दिस इज़ वेरी 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 क्वालिटी प्रोडक्ट, मुझे बहुत पसंद है स्टे कुर्की के आईलाइनर, दैट्स वाई मैंने इसे ऑर्डर किया था. सो इन द शेड ब्लैक मैंने ऑर्डर किया था इसे, तो सेकेंड मेरी ये ऑर्डर किया था मैंने. लास्ट प्रोडक्ट मैंने स्टे कुर्की लिक्विड लिपस्टिक, स्टे कुर्की की साइट ब्रांड से मैंने लास्ट प्रोडक्ट जो पिक किया था वो था ये स्टे कुर्की की लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड किस यू शुड नॉट मिस 18. देखिए, और सारी लिंक वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. सो दिस इज द शेड, मतलब मैरूनिश रेड टाइप का शेड है इसका. सो मैं इसका आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगी, स्टे कुर्की वर्सेस कोकोनट ऑयल. यस गाइस, कोकोनट ऑयल से. सो इसके ये जो ये इस टाइप का कार्टन था इसका, कार्डबोर्ड पैकेजिंग का, एंड दिस इज द एक्चुअल पैकेजिंग ऑफ स्टे कुर्की लिक्विड लिपस्टिक. ये देखिए रेड, मैरूनिश रेड कलर है. जो आप जो भी प्रोडक्ट का कलर खरीदते हैं आप, वो कलर यहाँ पे शो होता है. इसमें भी लिखा हुआ है इसका प्रोडक्ट नाम, किस यू शुड नॉट मिस 18. देखिए गाइस, ये शो हो रहा है, फोकस फोकस फोकस, ये देखिए. सॉरी गाइस, मुझे कोल्ड हुआ हुआ है तो मेरी आवाज़ से प्लीज़ बिल्कुल भी मेरे को जज मत करना. ये लास्ट प्रोडक्ट था स्टे कुर्की की तरफ से. अब मैंने ये फोर्थ प्रोडक्ट लिया था मैंने ये NYBA ब्रांड से. सो दिस इज़ NYBA आईलाइनर. मुझे जो भी सब प्राइसेस हैं वो मैं आपको डिस्प्ले पे डाल दूंगी, और इस टाइम के प्राइसेस पे और जो मैंने प्राइस खरीदे थे वो सब आपको इस डिस्प्ले में मिल जाएगा. सो दिस इज़ NYBA का ब्लैक कलर का आईलाइनर. मुझे कलरफुल आईलाइनर ज़्यादा पसंद नहीं है, दैट्स वाई मैं ब्लैक कलर का आईलाइनर ही लेती हूँ, सबसे क्लासिक कलर होता है. सो दिस इज़ NYBA आईलाइनर, 6 ml का है, और उसकी बहुत कम प्राइस का है इसलिए मैंने एक बार इसे ऑर्डर कर लिया था. सो दिस इज़ NYBA का फर्स्ट प्रोडक्ट. ये था NYBA का कोल काजल. तो एक मैंने ये ऑर्डर किया था, तो ये मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, तो मैं आप सबको रिकमेंड नहीं करती हूँ इसे. बिल्कुल भी ज़्यादा पिगमेंटेड भी नहीं है, और फिर आई डोंट लाइक दिस. सो सेकेंड प्रोडक्ट ये था, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बोलूँगी नहीं, बिकॉज मुझे, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रही, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, दैट्स वाई. और ये NYBA का थर्ड प्रोडक्ट मैंने परचेज किया था, ये है, मैंने बुलेट लिपस्टिक परचेज की है. इसका शेड है फ्रॉम अक्रॉस मैनहट्टन ब्रिज 28, इन द शेड 28, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है.
और ये यहाँ पे ट्रांसपेरेंट दी हुई है, तो जिससे कि आपको पता चल जाती है कि आपको किस टाइप का कलर मिलता है। और देखिए गाइस, मैंने इसे थोड़ा यूज़ भी कर लिया है तो मुझे थोड़ा ये अच्छा लगा। विंटर्स में वैसे भी हम लिक्विड लिपस्टिक को बहुत अवॉइड करते हैं, वो हमारी लिप्स को ड्राई कर देते हैं, दैट्स वाई। तो एक मैंने ये NYB का लिपस्टिक ऑर्डर किया था। इन फाउंडेशन प्लस कंसीलर प्लस कॉन्टोर स्टिक का रिव्यू मैं पहले भी अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। अगर आपको डीप रिव्यू देखना है तो आप मेरे उस चैनल को देख सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं, सॉरी। ये मैंने, वो मेरा एम्प्टी हो गया था और उनमें से कुछ मैंने किसी को अपनी किसी को दे दिया था। दिस टाइम मैंने ये फिर से ऑर्डर कर दिया। तो दिस इज थ्री डिफरेंट शेड्स, एक है येल्लो करेक्टर, दिस इज येल्लो करेक्टर, दिस इज माई शेड नंबर 4, कोनी आइलैंड कैरेमल 4, कोनी आइलैंड कैरेमल 4, एंड दिस इज माई कॉन्टोर शेड रेजिंग टोस्ट इन रूजवेल्ट। इसके शेड मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ लिपस्टिक टाइप की पैकेजिंग में है। ये मेरे कॉन्टोर के लिए मेरा शेड है, ये मेरा फाउंडेशन का शेड है, और ये है येलो करेक्टर, जो कि आपकी पिगमेंटेशन या डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए यूज होता है, येलो करेक्टर। तो ये तीनों मैंने NYB के ऑर्डर किए थे। ये सब मैंने purple.com से ऑर्डर किया हुआ था, स्टे क्विकी और NYB का ब्रांड से। और मैंने एक पर्पल हॉल वीडियो हुई थी मेरी ये। मैंने स्टे क्विकी और NYB के प्रोडक्ट्स का रिव्यू दिया था। ये सब, ये बस यही था स्टे क्विकी और NYB का रिव्यू, purple.com का रिव्यू। अब मैं आपको बता देती हूँ गिव अवे के रूल्स। यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली कोई ये रूल नहीं है कि आपका ये इंस्टाग्राम पे अकाउंट होना चाहिए या एसेट्रा एसेट्रा। आपको स्टे क्विकी का बैडेस काजल मिलेगा, किन्हीं 2 पर्सन्स को मिलेगा ये, जो मेरे मोस्ट ऑफ द वीडियो में जिसके कमेंट्स होते हैं, जो मेरे वीडियो मतलब मेरे चैनल पे डेली होता है, जो भी हर वीडियो पे जिसके कमेंट्स होते हैं उनको मिलेगा। और एक उनको मिलेगा जो हर किसी मेरे हर किसी वीडियो पे जिसका कमेंट मैंने मोस्टली देखा ही है। एक उसको ये स्टे क्विकी का काजल मिलेगा, और एक उसे मिलेगा जो जिसका कमेंट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमेंट होगा, तो एक काजल मैं उसे दूंगी। तो बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बस आज के लिए यही था वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।